हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें। गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करना करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया, 17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दें। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।